शास्त्री के साथ साथ आपको और क्या करना है। देखिए सिर्फ प्लस थ्री करेंगे तो मतलब 3 साल ऐसे ही निकल जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। तो मेरा एडवाइस ये है कि आप प्लस थ्री के साथ साथ कुछ कीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। अब क्या कर सकते हैं आप प्लस थ्री के साथ साथ, सुनिए, आपका करियर के ऊपर डिपेंड करता है, आपका नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, आप क्या, आपका इंटरेस्ट किस चीज पे है, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा नहीं सारे बच्चे सीए कर रहे हैं, हम भी चलेंगे सीए करना। चलो कोई कोई भैया भैया बैठे, मतलब भैया से मिले, वो मैनेजर है, अरे मैनेजर कैसे हुए, एमबीए करके मैनेजर हो गए, चलो हम भी करते हैं एमबीए करना। नहीं ऐसा मत कीजिए, आप देखिए आपको क्या अच्छा लगता है, ठीक है। मैं यहां पर बताऊंगा आप क्या क्या कोर्स कर सकते हैं, आप क्या क्या प्लस थ्री के साथ साथ आप क्या क्या कर सकते हैं, मैं बताऊंगा। उसमें से आपको जो पसंद आए, आपका जिसमें इंटरेस्ट है, आप उसको कर लीजिए। अदरवाइज आप हमको पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप के जरिए पूछ सकते हैं, या हमारे टीम जो है, हमारा इंस्टीट्यूट के जो टीम है उनसे ही पूछ सकते हैं, या हमको डायरेक्ट भी सवाल पूछ सकते हैं करियर के बारे में, तो हम आपको बताने का कोशिश करेंगे, आपको जवाब देने का कोशिश करेंगे। आप क्या पूछना चाहते हैं, जो भी पूछना चाहते हैं वो हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो हम लास्ट में आपको नंबर दे देंगे, तो उससे हमको सवाल पूछ सकते हैं। देखिए आप क्या क्या करेंगे, अगर आप प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं, अगर प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं, प्रोफेशनल मतलब सीए सीएस सीएमए, या अगर कोर्स करना चाहते हैं तो प्लस थ्री के साथ साथ आपको फाउंडेशन करना जरूरी है। प्लस थ्री के साथ साथ, प्लस थ्री थर्ड ईयर में नहीं करेंगे फाउंडेशन, गलत डिसीजन हो जाएगा नहीं तो, क्योंकि प्लस थ्री के बाद आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं सीए सीएस सीएमए में, डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं डायरेक्ट प्लस थ्री के बाद। लेकिन प्लस थ्री से पहले प्लस टू के बाद अगर ये सीए सीएस सीएमए करना चाहते हैं, आप फाउंडेशन के रास्ते भी जा सकते हैं। जैसे कि सीए करने के लिए सीपीटी था, अभी फाउंडेशन हो रखा है, सीएस करेंगे फाउंडेशन लेकर जाएंगे। अगर आप प्लस थ्री के साथ साथ ये करते हैं तो आपका कम समय में ये सब चीज जो है क्लियर हो जाएगा। अगर प्लस थ्री के बाद करेंगे तो आपका टाइम उसी हिसाब से ज्यादा लगेगा, तो ये सब चीज जो है आप प्लस थ्री के साथ साथ कर सकते हैं। देखिए और पढ़ाई भी जो है, पढ़ाई जो है लगभग प्लस थ्री का और यहाँ पर कुछ सिलेबस जो है मैच करता है, सारा सिलेबस नहीं, ऐसा नहीं कि ये प्लस थ्री है दिमाग खराब हुआ है ये प्लस थ्री का पढ़ाई है, नहीं बराबर नहीं हो सकता कभी, बहुत ज्यादा पढ़ाई है ये सब चीज में। लेकिन ये अगर करेंगे तो प्लस थ्री बहुत आसानी से हो जाएगा। और ये तीनों का सीए सीएस सीएमए इसका कोचिंग जो है हमारा इंस्टीट्यूट में दिया जाता है। हमारा इंस्टीट्यूट का नाम आपको शायद पता नहीं होगा तो मैं बोल देता हूँ, सीपीआई है, सीपीआई। और लास्ट में इसका डिटेल भी आपको पता चल जाएगा, हमारा वीडियो का लास्ट में सीपीआई कॉमर्स एंड प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट है, इसके बारे में डिटेल पता चल जाएगा। जो हमारा जो वीडियो बन रहा है तो उसका लास्ट में उसका डिटेल्स हम दे रखे हैं, पता चल जाएगा, ठीक है। ये तीनों कोर्स आप कर सकते हैं प्लस थ्री के साथ साथ। अच्छा जो बच्चे ये तीनों नहीं करना चाहते हैं, कुछ बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है, कुछ बच्चे का एमबीए में इंटरेस्ट होता है, तो हाँ ठीक है कीजिए एमबीए, लेकिन अच्छा कॉलेज से कीजिए, अच्छा यूनिवर्सिटी से कीजिए, इसलिए कि आप अच्छा जॉब करेंगे, पढ़ाई कर रहे हैं, क्यों पढ़ाई कर रहे हैं, हैप्पी लाइफ स्पेंड करने के लिए। हैप्पी लाइफ कैसे होगा, अगर आप हैप्पी रहेंगे तो हैप्पी भी कैसे आएगा, अगर आप अच्छा जॉब करेंगे, अच्छा इनकम करेंगे, आपसे आपका फैमिली जो है खुश होगा, तभी आप खुश हो सकते हैं। तो देखिए यहां पर एमबीए जो करेंगे आप प्लस थ्री का इंतजार मत कीजिए, आप प्लस टू खत्म होने के बाद ये सब चीज का प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, जो कैट मैट और जेट, ठीक है। ये एंट्रांस होता है, ये टेस्ट सब है, ये सब एक टेस्ट है, अलग अलग टेस्ट है, ये तीन टेस्ट का तैयारी, देखिए तीनों तो नहीं करेंगे, किसी एक के लिए तैयारी कीजिए तो आपको एमबीए जो है अच्छा कॉलेज में मिल जाएगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं इसको थर्ड ईयर में, ये जो टेस्ट होता है ना थर्ड ईयर में जाकर प्रिपरेशन करते हैं, गलत है। आपको अगर एमबीए करना है आप प्लस थ्री फर्स्ट ईयर से क्यों शुरू
नहीं करते तो प्लस थ्री फर्स्ट ईयर से शुरू कर दीजिए। फिर भी इसका मतलब डिटेल्स में अगर जानना चाहे तो मतलब हमारा इंस्टीट्यूट में जो क्लास चलता है वहां पे सारा चीज बताया जाता है। ये सब हम क्लास में बच्चे को रेगुलरली बताते रहते हैं, उनका जो किसी चीज पे डाउट होता है हम क्लियर करते हैं, और क्लास जो चलता है हम क्लास में उनको बार बार ये सब चीज के बारे में नॉलेज देते रहते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे हैं उनका इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, बच्चे जो है कुछ कॉम्पिटिटिव का प्रिपेरेशन करना चाहते हैं, इस चीज का प्रिपेरेशन करना चाहते हैं, ठीक है कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉम्पिटिटिव का जो प्रिपेरेशन करना चाहते हैं, कई सारे बच्चे ऐसे कि 90% से ज्यादा बच्चे होते हैं जो वो ग्रेजुएशन का इंतजार करते हैं, जब हमारा ग्रेजुएशन खत्म हो जाएगा तभी हम कॉम्पिटिटिव के लिए तैयार करेंगे। मैं पूछता हूं उनसे, क्या प्लस थ्री में क्या कोई पहाड़ उठा रहे हो आप जो आप प्लस थ्री के बाद करोगे? एक बात सुनिए, बोलता हूं प्लस थ्री जो है आप अगर सिर्फ दिन में 2 घंटा से 3 घंटा अगर पढ़ाई करें तो प्लस थ्री का रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो उसका मतलब वो टेंशन, उसका मतलब उस चीज का टेंशन से ये सब जो छोड़ रहे हैं, फाइनली आपको आपके साथ क्या होगा, प्लस थ्री खत्म हो गया होगा, आप के दिमाग में कुछ भी नहीं होगा प्लस थ्री का पढ़ाई, मतलब आप यही सोचकर रह जाएंगे कि प्लस थ्री खत्म हो गया, हमने क्या किया, कुछ नहीं। तो ये सब का तैयारी करते रहेंगे तो आपका एक मतलब आपको एक फील होगा कि हाँ प्लस थ्री के साथ साथ हमने ये सब चीज का तैयारी किया है। और पता है जैसा प्लस थ्री खत्म होगा कॉम्पिटिटिव का एग्जाम जब देंगे फट से क्लियर कर लेंगे और फट से जब वो जॉब हो जाएगा आपका, तो प्लस थ्री के साथ साथ इसका भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं कि साथ का प्रिपरेशन शुरू कर दें, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आप किसी एक चीज पे ध्यान दीजिए, एक चीज, जैसे कि जो सीए करेंगे सीए कीजिए, जो एमबीए के लिए जाएंगे तो कैट कीजिए या मैट कीजिए या जेड कीजिए, ऐसा नहीं कैट मैट जेड में प्रिपरेशन करना शुरू कर देंगे। ठीक है, अच्छा यहां पर भी वही है, कॉम्पिटिटिव का प्रिपेयर करना है, आप किसी एक चीज का प्रिपरेशन कीजिए, जैसे कि यहाँ पे यूपीएससी है जो कि बहुत बड़ा पढ़ाई है, ठीक है, हमारे देश के लिए नंबर वन है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है ये, जहां पर ये एग्जाम देकर आईएएस होते हैं लोग, ठीक है, आईपीएस होते हैं और क्या होते हैं, आईएफएस होते हैं, ऐसा तो ये यूपीएससी का एग्जाम है, तो आप उसके लिए भी तैयारी कीजिए, बहुत पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आप अच्छे बच्चे हैं मुझे पता है, पढ़ाकू हैं आप, बहुत पढ़ लेंगे। और आईबीपीएस है, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सर्विस, तो ये बैंकिंग का प्रिपरेशन के लिए आईबीपीएस कीजिए। एसएससी है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इसका नहीं तो तैयारी कीजिए, रेलवे का तैयारी कीजिए, या अलग अलग कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसका किसी एक के ऊपर एक के लिए तैयारी कीजिए। अच्छा, कुछ बच्चे हैं इनमें से उनका किसी पे इंटरेस्ट नहीं है, तो उनको क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? अगर इनमें से किसी पे भी इंटरेस्ट नहीं है, उनका लॉ करने का बहुत अच्छा मतलब इरादा है, वो उनको लॉ जो है बहुत पसंद है, मुझे पता है आप कितना एक्ट याद कर रखते हो और कितना सेक्शंस याद रखते हो, कंपनी लॉ आप पढ़े होंगे, कितना सारा सेक्शंस याद है आपको अच्छे से पता है। ठीक है, फिर भी आपको बहुत पसंद है लॉ, आपको अच्छा लगता है मेरी तरह, तो लॉ करेंगे तो यूनिवर्सिटी से कीजिए ना, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है वहां से कीजिए, अदरवाइज तो बहुत सारा कॉलेजेस आप कर सकते हैं प्लस थ्री के बाद। अगर अच्छा यूनिवर्सिटी में करना चाहेंगे, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, हमारे देश में 19 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, तो आप अगर उनमें से किसी पे एडमिशन लेना चाहेंगे तो उसके लिए क्लैट का प्रिपरेशन करना पड़ेगा, क्लैट का, CLAT, क्लैट, ये सर क्या है, ये सर क्या है, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, सर कितना सारा टेस्ट है, खाली टेस्ट 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 देना पड़ेगा, जहां एडमिशन लो वहां टेस्ट, जी हाँ, जब आप टेस्ट देकर क्वालिफाई होकर जाएंगे किसी जगह पर एडमिशन लेने के लिए, आपका वैल्यू जो है कुछ अलग होता है, और वो कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपका ब्रांड जो है, ब्रांड वो कुछ और देता है, समझ में आई बात, तो आप क्लैट देकर
आप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को जा सकते हैं ग्रेजुएशन के बाद, लेकिन आप ग्रेजुएशन खत्म होने का इंतजार करेंगे तो दिक्कत है। तो आप ग्रेजुएशन पढ़ते पढ़ते, जो प्लस थ्री का पढ़ाई है वो पढ़ते पढ़ते आप इसके लिए तैयारी शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, अब इसका टेस्ट देंगे, क्वालिफाई होंगे, फिर इसके बाद कहां चले जाएंगे, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में। तो उसके साथ साथ बाकी डिटेल्स अगर आपको जानना है तो हम तो अपना इंस्टीट्यूट में क्लास में बच्चे को बताते हैं, अगर हमारे बच्चे आप नहीं हैं तो आप हमको डायरेक्ट कंसल्ट कर सकते हैं, तो हम कोशिश करेंगे आपको बताने का। ठीक है, और एक बात, कुछ बच्चे पूछ रहे होंगे ये सीपीआई क्या है, इस वीडियो का लास्ट में दिया गया है, आप वहां देख लेंगे। ठीक है, तो हम इतना ही बात बोलेंगे, आप सिर्फ प्लस थ्री नहीं करके प्लस थ्री के साथ साथ इनमें से कुछ एक कीजिए तो अच्छा रहेगा, आपका करियर आगे अच्छा जा सकता है। ठीक है, चलो।